अच्छा जी, तो मैं सरमद इरफान, और चैनल पे आपने नेम तो पढ़ ही लिया होगा। ये मेरे बड़े भाई हैं अली फुरकान कुरैशी, ये आपको हर वक्त नज़र आते रहेंगे। और अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, आज मेरी यूनिवर्सिटी का जो है डे वन है, और रास्ता भी आपको देखने को मिलेगा और यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। कोशिश तो कर रहे हैं कि लोगों को जो है अपनी नज़र से यूके दिखाएं कि किस तरह का है यूके, और जो यहाँ पे यू नो जो मशहूर चीज़ें हैं जो लोग देखना चाहते हैं, जिन्होंने नेम सुना हुआ है लेकिन देखा नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि उनको जो है वो दिखाएं। ये जी रास्ता आप देख सकते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत, और आसमान भी आपके सामने है। कल सारी रात जो है बारिश होती रही है, और इस वक्त एक अच्छा सनी और क्लाउडी मिक्स सा जो है मौसम जो है आज बना हुआ है। और ये इल्फर्ड से हम निकले हैं और हिंडन हमने जाना है, और बीच में ये मोटरवे है, और सामने जो व्यू में आपको नज़र आ रहा है ये आपको इल्फर्ड ही नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं, ये इस साइड पे आपको जो है इल्फर्ड सारा नज़र आ रहा है। ये सारी बिल्डिंग्स जो है कंस्ट्रक्शन जो है ये टोटल इल्फर्ड के अंदर है, और बहुत ही खूबसूरत इलाका है इल्फर्ड। स्पेशली देसी कम्युनिटी के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे आपको खाना पीना जो है बहुत ज़्यादा देसी भी मिलेगा, वैसे तो ऑलमोस्ट हर कॉन्टीनेंट की आपको गुजीन मिलेगी, लेकिन देसियों में ज़्यादा पॉपुलर है देसी इलाका। लेट हो जाऊंगा, ये देख लें मैप क्या दिखा रहा है। रास्ता तो कोई नहीं है, 1.9 माइल्स है, लेकिन जो हालात हैं वो मुझे 20 माइल्स वाले लग रहे हैं। लेट्स सी अब क्या होता है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम हिंडन, ये इलाका है लंदन का जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है, और बहुत ही अच्छा इलाका है, अच्छे यहाँ पे घर वगैरह हैं, और ओवरऑल फील्स इस इलाके की काफ़ी अच्छी हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मार्केट है, यहाँ पे ब्रांड्स भी हैं काफ़ी सारे, शॉपिंग वगैरह की, और फर्दर जो है फूड चेन्स हैं, खाना पीना यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। ये देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ हैं यहाँ पे। तो अच्छे एरिया में यूनिवर्सिटी है, बंदा बोर हो रहा होता है पढ़ के तो चलो इधर आ जाता है। ये है कि अच्छा शोगल यहाँ पे लगाया जा सकता है। मैं अभी तक आया तो नहीं क्योंकि पहला दिन है, तो लेकिन ये है कि ये अपना स्पॉट होगा, उसके लिए लाइब्रेरी के सामने लगा लेना, वो सही जगह। ये है जी यूनिवर्सिटी, ये बिल्डिंग यूनिवर्सिटी की है, और फिर ये बिल्डिंग भी यूनिवर्सिटी की है, और फिर ये आगे तक जो है सारी यूनिवर्सिटी है, और इसके पीछे भी यूनिवर्सिटी ही है। ये एक अच्छा खासा एरिया जो है ये सारा यूनिवर्सिटी ने जो है कवर किया हुआ है। ये भी हमने अच्छे शहरी होने का प्रूफ दिया, इस स्टूडेंट को हमने जो है रास्ता दिया कि भाई तू चला जा पहले। 46 हो गया, हाँ बस 15 मिनट है, मैं भी जाते हैं। फाइनली पार्किंग हमें मिल चुकी है, और ये मेरे अच्छे भाई जो है अब मेरा इंतज़ार करेंगे, और मैं लूँगा अंदर लेक्चर और करूँगा पार्टी, और मेरे भाई यहाँ पे बोर होंगे, इनका लैपटॉप मैं भूल आया हूँ, सॉरी यार अली भाई, खैर होगी फिर अब फोन शोन देखें, चलें मिलते हैं फिर, ठीक है चलें, ओके। यूनिवर्सिटी आ गई हूँ मैं, और अभी मुझे क्लासरूम नहीं मिल रहा, तो देखते हैं कि कहाँ पर है। आई गेस के इधर ही किधर ही होना चाहिए ये, सो लेट्स सी। अच्छा जी, तो यूनिवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो गई है, एक ही लेक्चर था 1.5 घंटे का जो ले लिया, और उस
उसके बाद मैंने तकरीबन एडिशनल अली भाई को एक घंटा वेट करवाया, जिसमें से आधा घंटा तो मेरे ख्याल है मैंने इन्हें अपने साथ बुला लिया था कंपनी के लिए। तो बाकी अली भाई से पूछते हैं कि कैसा रहा अली भाई, आपने क्या किया डेढ़ घंटे में? बस यार मैंने एक्चुअली एक्सप्लोर द एरिया, सो मैं इधर उधर घूमता रहा, ज़रा मैं देख रहा था कि क्या शॉप्स वगैरह किस तरह की हैं, विच वॉज फाइन एक्चुअली। तो बाई चांस मुझे मेरा एक फ्रेंड मिल गया जिसके साथ मैं कुछ साल पहले हम कहते काम भी करते थे, इज़ अ रियली गुड गाय, तो आई वॉज रियली हैप्पी उसको देख के। उसने वहाँ पर शॉप्स वगैरह बना लिया, अपने रेस्टोरेंट टाइप दो बना लिए, अंदर मैं खड़ा रहा, उसने खाना शाना भी खा लिया मैंने इसी बहाने, सो इट वाज गुड, आई हैड अ गुड टाइम। अच्छा था, अच्छा रेस्टोरेंट था वो, यूनिवर्सिटी के सामने ही रोड है उसके ऊपर, मैंने आपको जाते हुए दिखाई थी मार्केट्स वगैरह ना, तो उधर ही उनका रेस्टोरेंट था, मैंने भी विंग्स खाए तो अच्छा था। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो इंशाल्लाह कोई ब्लॉग वगैरह भी हम शूट करेंगे। और मौसम स्टिल द बेस्ट, अभी तक बहुत मौसम चल रहा है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। बीच पे हाँ चल लेते हैं और बना लेते हैं चले। तो आज का मेरा ख्याल है ये व्लॉग फिलहाल इतना ही था, और बस घर आ चुके हैं। ओके देन, सी यू गाइस।